हेलो मेरे नन्हे दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ठीक होंगे और कक्षा में पढ़ाई भी बहुत अच्छे से करते होंगे और खास करके विशेषकर हिंदी की पढ़ाई। जी हाँ, हिंदी की पढ़ाई बहुत अच्छे करते होंगे। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आपकी अपनी कक्षा में, जिसका नाम है हिंदी की कक्षा। और हिंदी की कक्षा में हम क्या पढ़ रहे हैं, तरंग हिंदी पाठ्य पुस्तिका बाई अमित पब्लिकेशन से आज हम करने जा रहे हैं कौन सा पाठ, पाठ 9, जिसका शीर्षक है टिप टिप वा। जी हाँ, कितना मजेदार नाम है ना, टिप टिप वा। तो देखिए बच्चों, कितना अच्छा चित्र बना हुआ है, बारिश भी आ रही है, कुछ एक बच्चा जो है बारिश में नाव पे ना चला रहा है। तो बच्चों, दिए गए चित्र में दिखाया गया है कि जब बहुत तेज मूसलाधार बारिश होती है तो सब जगह पानी पानी हो जाता है। आपने कभी देखी है मूसलाधार बारिश होते हुए, और आपके यहाँ पे भी बारिश में पानी भर जाता है? जी हाँ, कितनी तेज बारिश होती है, और उसमें जब बारिश तेज आती है तो कितना पानी भर जाता है, कहीं गड्ढों में, कहीं पार्क में, हर जगह पानी पानी होता है। और उस भरे पानी में नाव बना के भी तैराते हैं। आपको बारिश को ना कैसा लगता है? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब बहुत तेज बारिश होती है, और मैं आशा करती हूँ कि आपको भी बारिश में बहुत मजा आता होगा, बहुत अच्छा लगता होगा। तो बच्चों, जब बारिश हल्की फुल्की होती है तो कहते हैं टिप टिप करके बारिश हो रही है। जो बारिश की छोटी छोटी बूंदें पड़ती हैं उन्हें ही टिप टिप कहते हैं। लेकिन यहाँ कहानी में टिप टिप का दूसरा ही अर्थ है। यहाँ टिप टिप यानी बारिश में झोपड़ी में टपकता पानी, टपक की बूंदे और धोबी तथा उसके लठ को कहा गया है। चलिए कहानी के द्वारा जानते हैं ये कैसे, आइए शुरू करते हैं। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियां सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कहीं नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह टपक रहा था, टिप 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 टिप। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। बुढ़िया खींचकर बोली, अरे बचवा, का कहानी सुनाए, ये टिप टिपवा से जान बचे तब ना। क्या बोली बुढ़िया? अरे बचुआ, का कहानी सुनाए, ई बारिश से, ई टिप टिपवा से जान बचे तब ना। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी ये टिप टिपवा कौन है? टिप टिपवा क्या शेरबाग से भी बड़ा होता है? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचुआ, ना शेरवा के डर, ना बगवा के डर, डरता डर टिप टिपवा का डर। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। अब ये टिप टिपवा कौन सी बला है? जरूर ये कोई बड़ा जानवर है, तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज्यादा टिप टिपवा से डरती है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहां से दुम दबाकर भाग चला। उसी गांव में एक धोबी रहता था। वह भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह अपने गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते? वे बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। पत्नी की बात धोबी को जच गई। अब अपना मोटा मोटा लठ उठाकर, लठ मतलब जो डंडा होता है ना, एक तो पतला होता है और एक होता है लठ, थोड़ा मोटा होता है, उसे लठ बोलते हैं। वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे हैं। उलीच उलीच कर मतलब ऐसे निकाल निकाल कर फेंक रहे हैं। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज मेरा गधा सुबह से ही नहीं मिल रहा है, जरा पोथी बांध कर बताइए तो वह कहाँ है? सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे। धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या जो आ गया पूछने? अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गढ़ई पोखर में। और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने। वहां से धोबी वहां से चल दिया।
चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुंचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास लगी थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिप-टिपवा के डर से वहीं घास में छिपा बैठा था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने आव देखा न ताव और लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यही टिप टिप हुआ है, आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो जो ये कहे चुपचाप करते जाओ। आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। बाघ बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। हाँ, उसे देखा ही नहीं ये गधा है, मेरा गधा है या बाघ है। उसने लिया और उसको बांध के फिर सो गया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। अरे, ये गधे की जगह इसने बाघ को बांध लिया, तो वो ऐसे देखते रह गए। तो बच्चों, कैसा लगा आपको ये पाठ? मुझे बहुत मनोरंजक लगा। और इस पाठ की लेखिका थी गिरिजा रानी अस्थाना। तो चलिए अब देखते हैं कि क्या करते हैं हम। अब हम करेंगे कठिन शब्द। मूसलाधार, लठ, मचल, उलीचना, खींच, खींचकर, बांचकर, संयोग, झुंझलाना, हमला और खूंटा। और शब्द अर्थ है, अब रोज का प्रतिदिन मचल रहा था यानी परेशान होना, खींचकर यानी चिढ़कर, हमला आक्रमण, धोबी का अर्थ है कपड़े धोने वाला, ढूंढना यानी खोजना, यानी पंडित जी, और अचानक यानी कि एकाएक। और अब हमसे पूछा है, पोता राज रोज रात को सोने से पहले क्या करता था? पोता रोज रात को सोने से पहले अपनी दादी से एक कहानी सुनता था। कहानी सुनाने की बात सुनकर बुढ़िया खींचकर क्या बोली? कहानी सुनाने की बात पर बुढ़िया खींचकर बोली, अरे का बताएं, ये टिप टिपुआ जो है, ये टिप टिपुआ है ना शेर का ना बाघ का। हमें पहले बचुआ, ये जो टिप टिपुआ है, हमें इससे जान बचानी है। धोबी किसे ढूंढ रहा था? धोबी अपने गधे को ढूंढ रहा था। और अब पूछा है, धोबी ने बाघ को कहाँ बांधा? धोबी ने बाघ को अपने घर के बाहर एक खूंटे से बांध दिया। और अगला है, सही विकल्प पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। तो सबसे पहले क्या है, टिप टिपवा कौन था? बाघ, शेर, बारिश या गधा? टिप टिपवा था बारिश। पोता किस बात की जिद कर रहा था? खाने की, कहानी सुनने की, सोने की या घूमने की? वो जिद कर रहा था कहानी सुनने की। दो धोबी गधे का पता पूछने कहाँ गया? पंडित जी के पास, शेर के पास, बुढ़िया के पास या टिप टिपवा के पास? धोबी गया गधे का पता पूछने पंडित जी के पास। धोबी ने बांध को बांध दिया। धोबी ने बाघ को कहाँ बांधा? दीवार से, पत्थर से, खूंटे से या दरवाजे से? उसने खूंटे से बांध दिया। और अब क्या पूछ रहे हैं? अब हमसे पूछा है, रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करनी है। सबसे पहले है, दादी रोज तरह तरह की सुनाती थी। क्या सुनाती थी? दादी रोज तरह तरह की कहानी सुनाती थी। टिप टिपवा क्या बड़ा होता है, शेर या बाघ से भी बड़ा होता है? मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। बुढ़िया शेर बाघ से ज्यादा टिप टिपवा, टिप टिपवा से डरती है। पंडित जी बड़े ज्ञानी थे। अब क्या है, किसने कहा? अगला प्रश्न है, किसने कहा दादी ये टिप टिपवा कौन है? किसने कहा? पोते ने। ना बचवा, ना शेर के डर, ना बघवा के डर, ये किसने कहा?
हाँ बचवा, ना शेरवा का डर ना बगवा का डर, किसने बोला? दादी ने। जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते हो? ये किसने बोला? धोबी की पत्नी यानी कि धोबन ने। जरा पोथी बांचकर बताइए तो वह कहाँ है? ये किसने कहा? धोबी ने। अरे जाकर ढूंढ किसी गढ़ई पोखर में, ये किसने कहा? पंडित जी ने। तो अभी हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति करी और किसने कहा, और अब हम जा रहे हैं क्या करने? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। बुढ़िया रोज रात को सोने से पहले क्या करती थी? बुढ़िया रात को रोज सोने से पहले अपने पोते को एक कहानी सुनाती थी। झोपड़ी के पीछे कौन छिपा था और क्यों? झोपड़ी के पीछे एक बाघ छिपा था बारिश से बचने के लिए। बुढ़िया की बात सुनकर बाघ ने क्या सोचा? बुढ़िया की बात सुनकर बड़ी सोचा बाघ ने, इसकी कोई टिपटिपवा है जो शेर और बाघ से भी ज्यादा खतरनाक है, ताकतवर है। धोबी क्यों परेशान था? धोबी का गधा नहीं मिल रहा था, उसके गधे के अपने गधे के खोने से धोबी परेशान था। पंडित जी अपने घर पर क्या कर रहे थे? पंडित जी के घर पे पानी भर गया था बारिश का, तो वो उसे उलीच रहे थे, बाहर निकाल रहे थे पानी को। धोबी से लट खाने के बाद बाघ ने क्या सोचा? धोबी से लट खाने के बाद बाघ ने कुछ नहीं सोचा, उसने सोचा मेरी भलाई इसी की में ही है कि मैं चुपचाप जो हूं उसके पीछे पीछे चल दूं। गांव वालों की आंखें क्यों खुली की खुली रह गई? गांव वालों की आंखें, उन्होंने जब देखा कि धोबी ने अपने खूंटे से बाघ को बांधा है, तो उनकी आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गई। तो बच्चों यह मनोरंजक पाठ यही समाप्त हुआ। आशा करती हूँ आपको इस पाठ से बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत आनंद आया होगा। तो अगले पाठ के साथ बहुत जल्दी आते हैं, तब तक के लिए आभार।